नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू कर दी गई है। अब शराब प्रेमियों के लिए खुशी की बात यह है कि शराब अब देशी शराब ठेकों पर भी अंग्रेजी शराब मिलेगी। और छतरपुर जिले की अगर बात करें तो लगभग 216 करोड़ रुपए की शराब पिलाए जाने की तैयारी हो चुकी है। शराबियों से राजस्व कमाने के लिए सरकार ने इस वर्ष प्रदेश भर में नई आबकारी नीति के साथ शराब को सस्ता और आम जनता के लिए सुलभ कर दिया है। अब शराब की कीमतों में कुछ गिरावट आएगी तो वहीं देशी शराब के ठेके पर भी विदेशी शराब उपलब्ध होगी। आहातों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। सिर्फ छतरपुर जिले में ही इस वर्ष लगभग 216 करोड़ रुपये की शराब पिलाने की तैयारी है। जिले के सभी ठेके 1 अप्रैल से नवीनीकृत हो चुके हैं। कुछ ठेकों का संचालन टेंडर के माध्यम से नए दुकानदारों को सौंपा गया है। इस वर्ष जिले के 26 समूहों के अंतर्गत 93 शराब ठेके संचालित होंगे। इन शराब ठेकों पर देशी और विदेशी दोनों तरह की शराब उपलब्ध होगी। विगत रोज 4 समूहों की शराब दुकानों के टेंडर संपन्न हुए। इसके पूर्व सभी दुकानें नवीनीकृत हो चुकी थीं। शेष बची 4 दुकानों के लिए टेंडर निकाले गए। इस प्रक्रिया के माध्यम से छतरपुर बस स्टैंड समूह क्रमांक 1 को मेसर्स स्मृति एसोसिएट ने ठेके पर लिया है, जिसका आरक्षित मूल्य 18,51,90,999 रुपये है। इसी तरह गुलगंज समूह को छत्रसाल ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नाम किया। गुवारा शराब का ठेका सर्वेंद्र राय के द्वारा लिया गया है तो वहीं नौगांव समूह का ठेका महेंद्र कुमार राय के द्वारा लिया गया है। सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती खुलकर मैदान में आ गई हैं। लगभग 6 महीने से शराबबंदी की वकालत कर रही उमा भारती ने 1 अप्रैल को नई आबकारी नीति लागू होते ही ट्विटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ हूँ। शराबखोरी के शिकार हो गए बेटों के लिए चिंतित हूँ। उनकी इज्जत और जान पर खेलकर हम राजस्व कमा रहे हैं, इस पर शर्मिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। 9 दिन नारी शक्ति की पूजा के हैं। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि छत्तीसगढ़ और दिल्ली की भाजपा इकाइयाँ इस प्रकार की शराब नीति के विरोध में सड़कों पर उतर आई हैं।